नमस्कार भाई दोस्तों, हरमिंदर साहब के केस को पूरा हाई प्रोफाइल ड्रामा बना रखा है लोगों ने, पूरा हाई प्रोफाइल ड्रामा। आप सुनो उस लड़के की पूरी कहानी, उस लड़के ने ये सब क्यों किया था, और ये बीच में तिरंगे को लेकर आने वाले लोग कौन है। सबसे पहले इनकी पहचान करो, ये वो नकली फर्जी राष्ट्र भगत हैं जो तिरंगे को बदनाम करते हैं। बदनाम किया उस लड़की ने तिरंगे को, और कैसे बदनाम किया सबूतों के साथ आपको दिखाएंगे। अगर चाहते ना सिख, अगर चाहते तो उस मंदिर का ड्रामा बना सकते थे जिस मंदिर के अंदर सिखों को जाने से रोका गया था, वो भी आपको दिखाएंगे। आज वीडियो दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो ये ड्रामे चल रहे हैं ना, ये सिखों को सरेआम बदनाम करने की जो चाल है, आपको पता है क्या किया उस लड़की ने? चेहरे पर तिरंगा बना रखा था। नंबर एक बात, आप मंदिर में जाते हो या हरमिंदर साहब के अंदर कहीं भी जाते हो आप, तो हाथ मुंह पैर सब कुछ धो के जाते हो ना भगवान के पास, सब कुछ धोकर ही जाते होगे। गुरु साहब के पास जा रहे हो तो सिर भी ढका होना चाहिए। और लड़की के साथ वो लड़का था, उसने सिर भी नहीं ढक रखा था, सिर भी नहीं ढक रखा था। सबसे पहले तो जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना। बात हक और सच की जाएगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना। आपको दिखाएंगे, एक एक चीज दिखाएंगे आज आपको। बहुत हो गया यार, इन्होंने तो ड्रामे की मतलब हद कर दी। पहली बात तो वो लड़की हरमिंदर साहब के बाहर वीडियो बना रही थी, डांस कर रही थी, उसका वीडियो बना रही थी। क्या मंदिरों में यही सब चलता है क्या? आप नाचते गाते वो करते ड्रामेबाजी करते हो क्या? ये सबको पता हरमिंदर साहब के अंदर ये नहीं चलता। चारों दिशाओं से अगर दरवाजे खुले हैं ना, तो उसकी कोई मर्यादा भी कोई चीज़ होती होगी। इससे पहले यही लड़की, आपको बताते हैं अभी, यही लड़की मस्जिद के अंदर भी जाकर नाच गा के, ये जो होते हैं ना छोटे छोटे वीडियो बनते हैं, इसको टिकटॉक तो खैर बंद कर रखा है भारत के अंदर, लेकिन वो और दूसरे छोटे छोटे वीडियो बनते हैं, इसमें से फूटता कहाँ से आ रही? अपने बच्चों को संभाल दो, समय रहते। किसकी लड़की है ये और ये क्या है? जब इस लड़की को रोका गया था, इसके चेहरे के ऊपर कोई तिरंगा नहीं था। जो सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। लड़की फराक पाके श्री दरबार साहब आई थी। श्री दरबार साहब की मर्यादा मुताबिक कोई भी व्यक्ति, खासकर लड़कियां, अधूरे कपड़े पाके दरबार साहब के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। इस लड़की को अधूरे कपड़े से रोका गया था। आहा, लड़की नु रोकन तो बाद जिस वक्त उसने पूरे कपड़े पहनवाए, अभी आपको दिखाएं इस लड़की के चेहरे के ऊपर आप कोई भी तिरंगा या कुछ भी दिखा दिया, जब इसी लड़की को वापस भेजेगा फिर ये वापस आई है। और हाँ, दूसरी चीज, तिरंगे में रंग कौन कौन से होते रहे? तिरंगे में लाल रंग होता है क्या? ये वापिस आई है अपने चेहरे पे, ये तीन रंग पोत के, सफेद, हरा और लाल, केसरिया रंग होता है तिरंगे के अंदर, ये याद रख लेना, केसरिया, ठीक है, केसरिया रंग होता है। ये केसरिया रंग तो नहीं था, ये तो लाल, जल्दीबाजी में इससे हो नहीं पाया ना, फिर इसने ये ड्रामा शुरू किया। ये देखिए इस लड़की के चेहरे पर, अगर जब ये रोकी गई थी शुरुआत में, आपको कहीं पर भी इसके चेहरे पर कोई तिरंगा या कुछ भी दिखाई दे रहा क्या? कुछ भी अगर आपको इसके चेहरे के ऊपर दिखाई दे रहा हो, तो यही लड़की है जिसने मस्जिद में जाकर ड्रामा किया था। पहले इनकी पहचान करो, कौन है ये, कहां से आते हैं ये, क्या है ये, मतलब कि इसको ये शॉर्ट पहन रखा था इसने, इस शॉर्ट की वजह से रोका था कि आप जाइए कपड़े बदल के आइए, कपड़े बदल के आइए, सिर्फ इतना ही बोला था। उसको बोलने के बाद इन्होंने इतना बड़ा ड्रामा कर दिया कि हद ही मचा दी, बिल्कुल हद ही मचा दी। अब आपको एक चीज और दिखाते हैं, अगर चाहते ना तो इस चीज को वायरल करें तो कैसा रहेगा? आपने सिखों को रोक दिया, सिख अगर मंदिर के अंदर गए, क्यों रोक क्या? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ, यहाँ पे अब स्पेशल बोलेंगे, केरला विच एक हिंदू भाई ने अपनी ईमानदारी दिखाई, यहाँ पे हिंदू बोलेंगे, अब हिंदू भाई ने जब सिखों को रोक किया गया था ना, तो इस हिंदू भाई ने भी ये बोला कि अगर इनको नहीं जाने दिया जाएगा ना, तो हम भी अंदर नहीं जाएंगे दर्शन करने के लिए। इन्होंने धोतियां खरीद ली, सब कुछ खरीद लिया, तो इनको बोला गया कि अपनी पगड़ी उतारिए, पगड़ी उतारने के लिए बोला गया था। ये ड्रामे बनेगा फिर क्या होगा? 2300 करोड़ रुपया ये वो मंदिर है जिथो 2900 करोड़ रुपया मिलिया सी सरकार नू, ते असी 2000 बंदे ने टर्बना बनिया हुई सी सरदार भाईचारे च, ते सानू जदो असी अगे आए धोतियां खरीदिया, असी धोतियां खरीदन तो बाद बड़ी, श्रीमान जी ये देख लीजिए कदे बाद में कौन आ रहे, देखिए ये है वो हिंदू भाई जिन्होंने इनके साथ जाने से मना कर दिया, अगर इनको नहीं जाने दिया जाएगा तो हम भी अंदर नहीं जाएंगे। क्यों चल रहे हैं ड्रामे, कभी सोचा इसके बारे में? और कौन है ये लड़की, इसका पता करो। ये बोलती है कि हरियाणा की बता रहे ना, इसको हरियाणा का है भी नहीं है इसके अंदर, क्या इतनी फिजूल और इतनी वाहियात की लड़कियां पैदा होती है हरियाणा के अंदर, इतनी फिजूल और इतनी वाहियात? हरियाणा भाईचारे के लिए मशहूर है ना, कि ये गुंडागर्दी ये करवाने के लिए। लेकिन आजकल हरियाणा दो चीजों में बड़ा मशहूर है, बेरोजगारी में नंबर 1 और गुंडागर्दी में नंबर 1।
इन जैसे फुकरों के कारण हो रहा है ये, इन जैसे फुकरों के कारण। इनका समय रहते इलाज करो, समय रहते इलाज करो इनका। ये कहीं भी जाते हैं और सिर्फ बदनामी के सिवाय कुछ भी नहीं फैलाते, कुछ भी नहीं फैलाना इनको। बदनाम कर रहे हैं ये हरियाणा को भी, हरियाणा पंजाब का जो भाईचारा बन रहा है उसको तोड़ने के लिए ऐसे ऐसे लोग जिम्मेवार हैं। इनका समय रहते हरियाणा के अंदर खापों को एक्शन लेना चाहिए, ऐसों के ऊपर खापों को एक्शन लेना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, पहले उसके माँ बाप को बुलाओ, अगर नहीं मानते तो उनको जात बिरादरी से बाहर करो, बाहर करो उनको। ये बदनाम कर रहे हैं हरियाणा को भी। ऐसे लोग होते हैं क्या हरियाणा के अंदर? ऐसे लोग होते हैं हरियाणा में, इसलिए बोल रहा हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और आपको ना इसके ऊपर फोटो लगा दिए जाएंगे, जो ये फोटो वायरल कर रहे हैं, कुछ भी वायरल कर रहे हैं ना, ये फोटो अब ऊपर लगाए जाएंगे ऊपर। ये है इस पूरे मामले का निचोड़, आपको बता दिया है। अब इस मामले को चाहे कितना लंबा खींचो, क्योंकि लगे हुए लोग शॉर्ट वीडियो बनाने में, देखो तिरंगा लगाया हुआ था, उसने ये बोल दिया ये पंजाब है, इंडिया नहीं है। पंजाब कहाँ पे है? पंजाब अफगानिस्तान में है क्या? अफगानिस्तान में है क्या पंजाब? हम भी जाते हैं, हम भी जाते हैं वहाँ पे, गुरुद्वारा साहब में जाते हैं, हर एक जगह पे जाते हैं। और इस बंदे ने देख लो ना, सिर पे ना कपड़ा बांध रखा, ना कुछ बांध रखा, मर्यादा नाम की कोई चीज़ होती है? नहीं होती। या तुम अपने माँ बाप के साथ भी ऐसा ही करते हो? तुम मंदिरों के अंदर नंगे जाते हो क्या? नंगे जाते हो क्या मंदिरों के अंदर? बेशरम सोता, ये कहाँ से आ गया? ऐसे लोगों का ये तो ना पता नहीं, सिखों ने इतनी ईमानदारी कैसे दिखा दी है, वहाँ पे जाके गंद मचा रहे हैं और इनको आराम से आने दिया? नियंग सिंहों को सौंप देते इनको, इनको पूरी तमीज सिखा के तब भेजते वो, तब भेजते इनको पूरी तमीज सिखा के भेजते। गुस्सा आता है ऐसे लोगों के ऊपर। वाहियात लोग कहीं के, बदनाम करते हरियाणा को भी, बदनाम करते हैं पूरे भारत को, फिर तिरंगे को बदनाम करते हैं। अब करो जिसको जो करना है, इनका इलाज करो। ये है इनकी पूरी कहानी। ऐसे लोगों का समय रहते इलाज कर लो, ये कैंसर है समाज के अंदर, कैंसर भाईचारे के नाम पर कैंसर है ये। ऐसे लोगों का समय रहते इलाज करो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई, ताकि सभी तक पहुँच जाए। और हाँ, किसी को कुछ चाहिए, कोई बाकी चीज़ रह गई हो तो बता देना, बता देना, आपको भेज दिया जाएगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना भाई दोस्तों। बेल आइकन को इसलिए दबाना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, आपके सामने हक और सच की बात रखने की जिम्मेवारी हमारी है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।